और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में दक्षिण विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव की ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। कांग्रेस ने आज बीजेपी प्रत्याशी का एक वीडियो जारी किया है। रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी सुनील सोनी का ये वीडियो है जहां पर वो मौलाना से गले मिलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने वीडियो जारी कर तंज कसते हुए क्या कुछ लिखा है ये भी आपको दिखाते हैं। ये वीडियो आप देखें, सबसे पहले ये वीडियो है जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी मौलाना को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए लिखा है कि राजनीति क्या क्या नाच नचाती है, बीजेपी गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ हमेशा विष उगलती है, यह कहना कांग्रेस का, लेकिन राजनीतिक मजबूरी में प्रेम दर्शाया जा रहा है, मुस्लिम बुजुर्ग को आलिंगन बद कर प्रेम दर्शा रहे हैं, ये कहना भी कांग्रेस का सुनील सोनी के वीडियो पर। अब डिप्टी सीएम अरुण साफ का भी बयान आया है, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि चरित्र हत्या करना कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस मुद्दा नेता और नीति विहीन हो चुकी है, इसके खिलाफ कार्रवाई पर पार्टी विचार भी करेगी। हालांकि IBC24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो कांग्रेस ने अपने हैंडल से पोस्ट किया है जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी, आप देखिए तस्वीरें देखिए वीडियो देखिए, ये वीडियो कांग्रेस ने जारी करते हुए इस पर लिखा है कि राजनीति क्या क्या नाच नचाती है। देखिए राजनीति क्या क्या नाच कराती है, इसका बेहतरीन उदाहरण यह वीडियो है जो भारतीय जनता पार्टी इस देश की गंगा जमुनी तहजीब पर प्रहार करती है। आज चुनाव में उनके प्रत्याशी एक बुजुर्ग को मौलाना को चुम्मा लेते दिख रहे हैं, उसका वीडियो वायरल कर रहे हैं, ये उनकी राजनीतिक और चुनावी मजबूरी है। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है, ना उनके पास नेता है, ना नीयत है, ना काम है जिसको बताकर वो जनता के पास वोट मांगेंगे। इसी प्रकार के वो हथकंडे करेंगे, कभी चरित्र हत्या करेंगे, कभी और दुष्प्रचार करेंगे, ये कांग्रेस की हताशा और निराशा को बताता है। तो अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। इधर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी का भी एक बयान सामने आया है वायरल वीडियो को लेकर। उन्होंने कहा कि इसकी FIR वो दर्ज करवाएंगे, ये कांग्रेस की ओछी राजनीति है। कांग्रेस ने वीडियो जारी किया है, उस पर अब प्रत्याशी सुनील सोनी का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। उनका कहना है कि वो FIR दर्ज कराएंगे, सुनिए। ये झूठा जो है बनाकर जो है और एडिट करके जो है ये किसी व्यक्ति के चरित्र को खराब करने का काम कर रहे हैं, ये तो हम आज रिपोर्ट लिखाएंगे, FIR दर्ज कराएंगे इसकी, और वो जो जिन लोगों ने बदमाशी की एडिट किया है वो जेल के अंदर में जाएंगे। और ये जो यहाँ पर शांति का टापू है रायपुर, इसमें सांप्रदायिक आधार पर अशांति फैलाने का काम मत करे कांग्रेस पार्टी, ये मैं कह देता हूँ। तो चलिए अब प्रत्याशी का भी रिएक्शन सामने आ चुका है, हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये वीडियो एडिटेड है। हमारे साथ इस वक्त दो नेता जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं और भाजपा नेता तौकीर रजा जी हैं, आप दोनों का ही स्वागत है। तौकीर जी, पहले मैं आप ही का रुख करूंगी क्योंकि ये वीडियो जारी किया गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो के एडिटेड होने की बात कही जा रही है। खुद सुनील सोनी ने यह रिएक्शन दिया है कि ये वीडियो एडिटेड है और इस पर FIR करवाई जाएगी। जी बिल्कुल, ये चार चरित्र जो है कांग्रेस का है और उसका चेहरा फिर से उजागर हो गया। भूपेश बघेल के समय में भी आपने देखा होगा, जो प्रदेश अध्यक्ष थे तो CD कांड हुआ था, उन्होंने एडिटेड वीडियो जारी किया था और उसके खिलाफ आज भी जो है केस चल रहा है और वो अपराधी है उसमें। तो ऐसा है कि इनका चार चरित्र, जब किसी से जब आप लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, तो उसके चरित्र हत्या के लिए सबसे पहले प्रयास करते हैं और ये दिखता है और उसका दिखाता दिया है कि आज उन्होंने देखिए सुनील सोनी जी ने खुद इस बात का खंडन कर दिया कि इसमें एडिटेड है, ये मैं इसमें क्या चीजें सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी। तो आप समझिए इस बात को, चारों चरित्र को खराब करने के लिए कांग्रेस हमेशा आगे बढ़ती रही। ये दोगला चरित्र छोड़िए, जनता जानती है, जनता विकास को मोहर बना के रखती है और विकास पे ही जो है जो आप मुद्दे पर वोट देती है। और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सिर्फ जीतने नहीं जा रही है, प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है, इसलिए ये इस प्रकार से ओछी हरकत करते हुए नजर आ। ठीक है धनंजय जी, एडिटेड या अनएडिटेड इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर किसी मौलाना को एक बीजेपी प्रत्याशी ने गले लगा भी लिया तो इसमें किस बात से परेशानी, क्या कांग्रेस कभी किसी को गले नहीं लगाती और गले लगाने को इस लिहाज से क्यों देखा जा रहा है कि वो दूसरे धर्म के हैं?
देखिए, हमें किसी प्रकार से किसी को गले लगाने में कोई आपत्ति या परहेज नहीं है, पर जो सुनील सोनी है, जिसका चरित्र सिर्फ नफरत फैलाना है, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चले जाऊंगा। जब कोविड काल चल रहा था तो एम्स में एक मुसलमान युवा का इलाज हो रहा था कोविड के चलते, और सुनील सोनी जी सांसद थे उस दौरान। उस इलाज करा रहा युवा पर सुनील सोनी ने आरोप लगाया था कि वो डॉक्टरों पर थूक रहे हैं, वहां पर उद्रव कर रहे हैं, और उसका एम्स प्रशासन ने खंडन किया था। तो ये जो वीडियो जो आई हुई है, बिल्कुल गले लगाना चाहिए, पर गले हमेशा लगाना चाहिए, चुनाव देख के वोट के लालच में गले नहीं लगाना चाहिए। एक और सुनील सोनी और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, उनके गालियां देते हैं, उनको देशद्रोही कहते हैं, जब चुनाव आते हैं तो गले लगाते हैं और चुम्मा लेते हैं। हम तो कहते हैं आप सदा गले लगाइए, भारत के हर नागरिक को गले लगाने का सबको अधिकार है, पर ये चुनावी देश। हालांकि आप तो सुनील सोनी जी ने ये दावा किया है कि ये जो वीडियो है ये एडिटेड वीडियो, और अब तो इस पर FIR कराने की भी मांग की जा रही है। आप दोनों लगातार बने रहिएगा। एक और मैं जरा आप दोनों को बता दूं, एक बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है, जरा उस पर भी आप लोगों से मैं चर्चा करूंगी, लेकिन पहले जरा दर्शकों को भी वो वीडियो दिखा देते हैं। बीजेपी ने दरअसल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है और कांग्रेस पर तंज कसते हुए क्या कुछ लिखा है, ये आप तस्वीर देखिए। ये बीजेपी छत्तीसगढ़ के हैंडल से एक्स हैंडल पर एक पोस्टर पोस्ट किया है, पोस्टर वॉर में एक और तंज, एक और पोस्टर जारी किया गया है। तो इसमें आप तीन दावेदारों को देख सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को इसमें दर्शाया गया है और उनके पीछे तीन दावेदार नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर लिखा है कि तुझे जीतने तो नहीं देंगे हम। धनंजय ठाकुर जी, तौकीर रजा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, क्या वाकई में इस तरह की स्थिति है, क्योंकि जो कार्टून पोस्टर जारी किया है इसमें साफ तौर पर जो अंतरकला है वो निकलकर सामने आ रही है, क्या वाकई में इस तरह की स्थिति है कांग्रेस में इस वक्त? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने जो उपचुनाव हो रहे दक्षिण के, उसमें एक युवा प्रत्याशी आकाश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। स्वाभाविक बात है, दावेदार कई होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी कई दावेदार थे, सुनील सोनी जी थे और भी इनके बहुत सारे नेता थे, लेकिन टिकट सुनील सोनी जी को मिला, और सुनील सोनी जी टिकट मिलने के बाद जो बाकी दावेदार है वो तो मैदान सी गायब है, और हमारे जो दावेदार थे वो आकाश शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आकाश शर्मा जीत रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से पोस्टर जारी करके एक निष्क्रिय सांसद सुनील सोनी, जिसका काम नफरत फैलाना है, जिसका काम नहीं करना है, चाहे महापौर रहते हो या सांसद रहते हो, जिसकी उपलब्धि शून्य मात्र है, तो उसको सक्रिय बताने की कोशिश कर रहे हैं। मत कर दो, भारतीय जनता पार्टी रोज पोस्टर जारी करे, हमारे प्रत्याशी का प्रचार होगा। ठीक है, तौकीर जी, नाराजगी तो आपके खेमे में भी जरूर होगी, क्योंकि दावेदार तो बीजेपी में बहुत से थे। नहीं देखिए, हमारे खेमे में कोई नाराजगी नहीं रहती, कैडरस पार्टी है और जो संगठन का आदेश होता है वो सर्वोपरि रहता है। और हमारे सबसे बड़ी बात, पहले निष्क्रिय की बात करें, पहले अपने खेमे में जाके देखिए आपने निष्क्रियता कितनी दिखाई। अभी जनता ने पांच साल में अपने कोई काम नहीं किया, भूपेश बघेल जैसे लबरे और झूठे मुख्यमंत्री को उखाड़ के फेंक दिया है, तो आप अंदाज लगाइए। और सांसद जी की बात करते हैं, सांसद जी ने राजमार्ग के लिए कई करोड़ रुपए लाए और साथ साथ एम्स में भी कई करोड़ रुपए लाए और साथ साथ एम्स में कई सारी चीजें सुविधा उपलब्ध कराई और ऐसे कई उपलब्धियां हैं, लेकिन आपने कभी ये चीज को कभी माना नहीं। अगर आप जिस व्हाइट हाउस में बैठ रहे हैं वो उपलब्धि भी सुनील सोनी जी की है। अगर आप देखें तो रायपुर में जब महापौर रहे तो कई सारी ऐसी उपलब्धियां रही, लेकिन क्या करें, निष्क्रिय बनाने का, सिर्फ झूठा प्रचार करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो कांग्रेस को जाता है, क्योंकि वो पचा नहीं पा रही है, गुटबाजी तो पचा नहीं पा रही है। जो कपोस्टर वार मामला दिखाया जा रहा है तो सही तो है, प्रमोद दुबे तो खुद अपने वार्ड पे लिख रहे हैं, खुद आप लिख रहे हैं, और कन्हैया अग्रवाल तो लिखते रहे और आगे बढ़कर जाकर फार्म खरीद के ला लिए, ये गुटबाजी नहीं तो क्या है? क्या हमारे किसी नेता ने ऐसी हरकत करी? क्या नहीं दिखी, लेकिन ये पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जीत जो है अपनी हार नहीं पचा पा रहे, और जीतना जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है, क्योंकि मुद्दा जो है विकास का है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और विकास का इतिहास बनाती है। और अभी हमने तो रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, 13 नवंबर को इसमें चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले ना सिर्फ पार्टी एक दूसरे से कम्पीट कर रही है बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं अंतरकला की भी स्थिति है और उस पर भी लगातार जो है वो पार्टी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है।